मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में आयोजित एक दिवसीय उपमंडल स्तरीय रेडक्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने रेडक्रॉस सोसाइटी गरीब व असहाय लोगों के लिए कार्य करती है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मंडी जिला में रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से गरीब व पात्र लोगों को निःशुल्क श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, बैसाखियां व कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाए जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य संस्थाओं में भी आधुनिक उपकरण जैसे डिजिटल एक्सरे आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि रेडक्रॉस को अधिक से अधिक दान दें ताकि गरीब लोगों को रेडक्रॉस के माध्यम से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये मेला मंडी शिक्षा उत्थान समिति को समर्पित है जो गरीब, असहाय व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने रेडक्रॉस के लिए अपनी ओर से 11,000 की राशि प्रदान भी की। एसडीएम मैडम को ये रेडक्रॉस मेला यहाँ सुंदरनगर में आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से ये एक दिवसीय मेला यहाँ है, लेकिन इसमें जो मेले का थीम रखा गया है, हमारा रेडक्रॉस की तरफ से जो पहला स्टॉल लगा है, दैट इज फॉर एजुकेशनल प्रमोशन के लिए है। जो बच्चे आए उनको पता लगे कि मैट्रिक और प्लस टू के बाद किस तरह आगे कंटिन्यू करना है। तो हमारे दो स्टॉल इसके लिए डेडिकेट किए गए हैं और इसका थीम भी ये एजुकेशन उस पर प्रमोशन पे रखा गया है। एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स ने भी जो यहाँ एग्जीबिशंस लगाई हैं, निश्चित तौर से ये एक लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ भी इससे उपलब्ध होंगी। और मैं समझता हूँ कि एक रेड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए और उसके लिए सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए काम करता है। एंड एनीथिंग विच इज़ जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है वो कार्य निश्चित तौर से सक्सेस भी होते हैं और उनका मैसेज भी समाज में जाता है। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर देवा श्वेता वाणी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सुंदरनगर उपमंडल में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे खसरा व रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत छूटे हुए बच्चों को भी टीके लगाए गए। चुनाव विभाग द्वारा मेले में चुनावों में ईवीएम मशीन के साथ पहली बार लगाई जा रही वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन भी किया गया। मेले के दौरान सीआरसी सुंदरनगर द्वारा पात्र दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग भी प्रदान किए गए। डेंटल कॉलेज सुंदरनगर द्वारा दांतों के चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। इस मौके पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत निशुल्क जानकारी भी मुहैया करवाई गई। उपमंडल के विभिन्न स्कूलों द्वारा मेले में स्कूली गेमों तथा खाद्य वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं प्रेस क्लब सुंदरनगर द्वारा पेय पदार्थों के स्टॉल भी लगाए गए। मेले में हेल्दी बेबी शो, रस्साकसी, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा तंबोला सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।